महाराजगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और आईटीवी फाउंडेशन के चेयरमैन कार्तिकेय शर्मा उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें आज का बहुत ही बड़ा दिन है, जब आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से दो दिन का कैंप लगाया गया है और इसका उद्घाटन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने, बड़ी मुहिम, बड़ा कदम आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं, मैं कहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ जो है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से और एएमसी मेडिकल कॉलेज की तरफ से। उसके अलावा जितने भी लोग यहां महाराजगंज और आसपास से आए हैं उन सभी लोगों की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले दीप प्रज्वलन होगा और प्रज्वलन के बाद जो हमारे कार्तिक शर्मा जी हैं, जो हमारे आईटीवी फाउंडेशन और आईटीवी नेटवर्क के जो एमडी हैं, वो स्वागत भाषण करेंगे और उसके बाद जो घोषणाएं होनी है वो होगी और क्रम से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो पहले हम दीप प्रज्वलन का काम जो है वो शुरू करते हैं। उसके अलावा मैं और भी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच में पंकज चौधरी जी हैं, हमारे बीच में ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं और क्रम से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो पहले हम दीप प्रज्वलन का काम जो है वो शुरू करते हैं। उसके अलावा मैं और भी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच में पंकज चौधरी जी हैं, हमारे बीच में ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं हमारे बीच में बजरंग बहादुर सिंह जी हैं, हमारे बीच में प्रेम सागर पटेल जी हैं, प्रभु दयाल जी हैं। उसके अलावा अवनीश अवस्थी जी का इस कार्यक्रम में बहुत विशेष योगदान रहा। उन्होंने ये कहा था कि अभी कार्यक्रम अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर तुम देखना, ये छोड़ा नहीं था। अवनीश जी ने यह कह के छोड़ा था कि कार्यक्रम हर हाल में अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जिनको मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, उन लोगों ने मंच की शोभा बढ़ाई। अब हम लोग दीप प्रज्वलन का काम जो है शुरू करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्तिक शर्मा जी, विनय श्रीवास्तव जी, पंकज चौधरी जी, कार्तिक जी, तो हवा जरा तेज लग रही है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हवा तेज होती है लेकिन बहादुर वही होते हैं जो उस हवा में भी खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हेलीकॉप्टर का पंखा चल रहा था तो बहुत सारी चीजें झटके मोड़ गई थी लेकिन फटाफट ठीक कर दी गई। एक पंखा थोड़ा सा तेज था, हमें ध्यान रखना चाहिए था, माफी चाहते हैं। अब हम सरस्वती वंदना का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सरस्वती वंदना, वही 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 रहेंगे, वहीं से सरस्वती वंदना कार्यक्रम। शुरू करिए सरस्वती वंदना कार्यक्रम। किसी से भावना
बहुत धन्यवाद आप बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने जब इंसेफेलाइटिस को खत्म करने का बीड़ा उठाया तो अपने आप में जिस तरीके से इन्होंने काम किया वो अपने आप में अद्भुत है। और इधर इन्होंने एक संचारी रोग का एक मतलब माह ही घोषित कर दिया, इन्होंने कहा कि भाई संचारी रोग का पूरा पखवाड़ा चलेगा और उसमें हम लोग कोई गांव नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं चाहता हूं कि आप लोग को दूं, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में जो प्रभात फेरी हुई, तकरीबन 70,000 लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में फेरी लगाई और ये बताया कि आपको इंसेफेलाइटिस से कैसे बचना है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। उसमें उन लोगों ने लोगों को शिक्षित करने का काम किया क्योंकि ग्राम प्रधान जो है वो हमारे गांव के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और उनको पता होता है कि किसके घर में कौन बीमार है, कौन नौकरी कर रहा है, कहां लड़ाई चल रही है, सब पता होता है। तो शायद मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहली कड़ी उन्हीं को चुना जो ग्राम प्रधान है, जो सबसे नजदीक है अपने ग्रामीणों को। उसके अलावा मैं बता दूं कि खरपतवार की कटाई हो, चाहे इंडिया मार्ग का हैंडपंप की मरम्मत हो, ये सारे काम मुख्यमंत्री जी ने इस संचारी रोग जो उन्होंने अभियान चलाया उसमें किया, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं क्रम से बताऊंगा लेकिन हम चाहते हैं कि कार्यक्रम भी आगे बढ़ता रहे। मैं कार्तिक शर्मा जी से कहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और हम लोग इस अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यहां मौजूद सभी माननीय सांसद, विधायकगण और प्रशासनिक अधिकारी और महाराजगंज के सभी लोगों का आईटीवी फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईटीवी फाउंडेशन ने जापानी बुखार को मिटाने की जंग छेड़ी है, हमने इसकी शुरुआत गोरखपुर से ही की थी। माननीय योगी जी, आप हमारे पहले प्रयास में आप हमारे साथ थे और ये सौभाग्य है कि आज हम यूपी के लिए एक बड़ा मिशन शुरू करने जा रहे हैं, तो आप आज भी आपका आशीर्वाद और आपका साथ हमारे साथ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं इस मौके पर सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आपकी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश जापानी बुखार से पीड़ित रोगियों में की संख्या में ऐतिहासिक कमी आई है, ये आपके संघर्ष कमिटमेंट का परिणाम है, आपका बहुत बहुत साधुवाद। सीएम साहब, आईटीवी फाउंडेशन का संकल्प जापानी बुखार को मिटाना है, करीब 2 साल पहले शुरू हुए ये अभियान अब आगे बढ़ रहा है। 2 सालों में आईटीवी फाउंडेशन ने समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सबको साथ लेते हुए हर पैमाने पर काम करने की कोशिश की है ताकि उन्हें उपचार और पुनर्वास के लिए सहायता के अलावा अच्छी मेडिकल सुविधाओं भी दी जा सके। आपने इस मिशन के लिए आईटीवी फाउंडेशन शहर और गांव के साथ साथ दूर दराज इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स के अलावा कई संगठनों के साथ आईटीवी फाउंडेशन तालमेल बनाकर काम कर रहा है। आईटीवी फाउंडेशन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और भारत के कई हिस्सों में अब तक 20 से ज्यादा फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप्स लगा चुका है जिसमें से 10,000 से ज्यादा लोगों का फायदा पहुंचा है। मुख्यमंत्री जी, 56 करोड़ से ज्यादा दर्शकों और पाठकों तक पहुंच रखने वाले आईटीवी समूह के 11 टेलीविजन न्यूज चैनल, एक अंग्रेजी और एक हिंदी समाचार पत्र और हमारे हिंदी चैनल इंडिया न्यूज ने पूरे देश में खबर के मिशन को आगे बढ़ाया है। यूपी की सेवा के लिए हमारा रीजनल न्यूज चैनल इंडिया न्यूज यूपी हमेशा सकारात्मक पत्रकारिता करता रहा है। हमने 12 वर्ष में पत्रकारिता को सामाजिक सेवा और समस्या का माध्यम बनाने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन सामाजिक दायित्वों को निभाने के को लेकर चटपटाहट हमेशा से ही रही है आईटीवी फाउंडेशन में। हमने सोचा कि आगे जाकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को सीधे सीधे साधना होगा, इसी का नतीजा है कि हमारे समूह ने 2 वर्ष पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर की पहल आईटीवी फाउंडेशन के रूप में शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री जी, हमने दिमागी बुखार के इलाज को
प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता अभियान से भी जोड़ा है और हम और ऑडियो विजुअल के माध्यम से शॉर्ट फिल्मों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मरीजों और उनके परिवारों को स्वच्छता जरूरी क्यों है और इस है क्यों है और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आज हमारे खास मिशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आईटीवी फाउंडेशन आपके गाइडेंस में एक बड़ा अभियान शुरू कर रहा है। हमने डिटॉल आरवी के साथ मिलकर यूपी के 1.5 लाख से ज्यादा आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग देने का बीड़ा उठाया है ताकि उनके जरिए डायरिया के खिलाफ एक जंग लड़ी जा सके और यूपी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ऊपर लाया जा सके। हम इस भरोसे के साथ मिशन शुरू कर रहे हैं कि टारगेट पूरा करने में आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस नोबल कॉज के लिए अपना कीमती समय दिया। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शानदार भूमिका अदा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कार्तिक जी। अब जो कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे सरकार के निर्देश पे चलाए गए हैं उनकी बहुत सारी एवीज बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी उसको देखें। आप कृपया मुझे बताएं कि क्या आप चलाएंगे, बताइए। आईटीवी फाउंडेशन का कुछ, आईटीवी नेटवर्क का कुछ कार्यक्रम है, ठीक है, उसको चलाएं प्लीज। न्यूज चैनल सात भाषाओं में प्रसारित, हर दिन 56 करोड़ लोगों तक पहुंच, 1500 पत्रकार, 2 न्यूज पेपर, 5 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर, 1 मिलियन फेसबुक फॉलोअर, 4 बड़ी न्यूज वेबसाइट, भारतीय पत्रकारिता के सबसे विश्वसनीय टेलीविजन इतिहास के कई बड़े अभियान और भारत का सबसे बड़ा मंच, ये भारत का सबसे तेज बढ़ने वाला मीडिया संस्थान है। ये है आईटीवी नेटवर्क। सबसे पहले भारत भरोसा और नेतृत्व, विश्वसनीयता और निष्पक्षता, आईटीवी नेटवर्क की शुरुआत से यही पहचान रही है। आईटीवी नेटवर्क के साथ 2 नेशनल चैनल भी जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज हिंदी 24 घंटे चलने वाले देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल में से एक है जो देश की हर हलचल की जानकारी आप तक पहुंचाता है। क्षेत्रीय चैनल्स की दुनिया में भी आईटीवी नेटवर्क का डंका बजता है। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इंडिया न्यूज के मीडिया चैनल गुजरात में गुजराती भाषा और पंजाब में पंजाबी भाषा में दिखाए जाते हैं। यूएक्स आईटीवी नेटवर्क का अंग्रेजी न्यूज चैनल यूएक्स के अंतर्गत कन्नड़ में यूएक्स कर्नाटक, ओडिशा में न्यूज डेस्क कोरिया और गोवा में न्यूज डेस्क स्टूडेंट कोंकण की भूमि है। जायल टीवी भारत का पहला 4K टेक्नोलॉजी वाला चैनल है जो दिल्ली के आईटीआई एयरपोर्ट में आईटीवी नेटवर्क के विस्तार की कहानी बयान करता है। संजय गार्जियन और आज समाज प्रिंट मीडिया की दुनिया में आईटीवी नेटवर्क की पहचान है। संजय गार्जियन भारत का सबसे बेहतर संजय न्यूज पेपर है, साथ ही आज समाज भी जस्ट हिंदी न्यूज पेपर है। आईटीवी नेटवर्क अपने दर्शकों की नस को पहचानता है, उनकी जरूरतों को जानता है और उनका सटीक खबरें पहुंचाता है। इतना ही नहीं, न्यूज की दुनिया से आईटीवी नेटवर्क ने खेल की दुनिया का सबका दायरा फैलाया है। रेसलिंग की दुनिया में आईटीवी नेटवर्क की रेसलिंग लीग का नाम सम्मानित किया जाता है। दुनिया भर के देशों में रेसलिंग की दुनिया के जाने पहचाने नाम इसमें शिरकत करते हैं। समय के साथ हमारे काम की हमेशा सराहना की जाती रही है। विस्तार ही आईटीवी नेटवर्क की पहचान है। आप लोगों ने देखा कि ये आईटीवी नेटवर्क की ताकत है जो 56 करोड़ लोगों तक जो है अपनी जगह बना के उन्होंने रखा हुआ है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं और इससे हमारा मनोबल बढ़ता है
जब आप तालियां बजाते हैं, हमारे चैनल हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, वही हमारी असली ताकत है। एक और मैं बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सत्ता संभाला है, तब से जो इंसेफेलाइटिस के जो मरीजों की मृत्यु दर है, गजब की उसमें बहुत शानदार कमी आई है। ये कि आप सोचिए कि 2018 में 8.28 था, अब जो है 2019 में 3.99 हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी लोगों को एक बार जोरदार ताली बजा के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक साथ इतनी दर में अगर गिरावट आ जाए तो इससे पता चलता है कि लगातार जो है वो काम हो रहा है, और इस काम को आप सभी लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाया जाए, और उसमें आईटीबी फाउंडेशन डेटॉल की बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में होने जा रही है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि जो 10 बेनिफिशियरी हैं सफाई को लेकर, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपनी बात कहते रहते हैं, वो 10 बेनिफिशियरीज को डेटॉल की किट माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। क्रम से हम कहेंगे कि बारी बारी से एक एक व्यक्ति को आगे भेजें, और हम इधर से कहेंगे कि एक एक माननीय मुख्यमंत्री जी को किट दें, जिससे कि आगे आते रहे, किट मुख्यमंत्री जी प्रदान करें और उसके बाद लोग जो है नीचे उतरते रहे बारी बारी से। आते रहे किट मुख्यमंत्री जी प्रदान करें और उसके बाद लोग जो है नीचे उतरते रहे बारी बारी से। आगे भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये स्टेज से ऊपर की तस्वीरें जहां पर कार्यक्रम में मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हर बार आप इस तरह से आईटीबी फाउंडेशन को बड़ी पहल करते हुए देखते हैं, और इस बार ये मुहिम जो की गई है इंसेफेलाइटिस के बच्चों के लिए, मरीजों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं इस बीमारी के चलते। इस साल ये आंकड़ा 350 को पार कर गया, और इसी पर आगे कदम बढ़ाते हुए 2 दिन का मुफ्त कैंप जहां पर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी आईटीबी फाउंडेशन की तरफ से। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आप देख सकते हैं आईटीबी फाउंडेशन के चेयरमैन कार्तिकेय शर्मा को साथ में उनके छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। ये मासूम बच्चे जो इस गंभीर बीमारी का शिकार होते हैं, हर साल कई सौ बच्चों की जाने जाती हैं। तो ना सिर्फ बच्चे बल्कि अगर किसी बड़े की भी कोई गंभीर बीमारी निकलती है तो भी आईटीबी फाउंडेशन 2 दिन में मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाला है। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से तस्वीरें आपके सामने हेल्थ कैंप की। निशुल्क हेल्थ कैंप जो है वो अगले 2 दिन तक चलने वाला है, जिसका आगाज आज हो चुका है। इंसेफेलाइटिस एक गंभीर बीमारी जिसका शिकार बच्चे होते हैं, और बच्चों से मुलाकात करते हुए योगी आदित्यनाथ। आईटीबी फाउंडेशन हेल्थ कैंप हर बार लगाता है, हर जगह लगाया जाता है। इस बार ये कारवां पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। अगले 2 दिन तक निशुल्क हेल्थ सेवाएं दी जाएंगी। कोई गंभीर बीमारी अगर किसी को निकल कर आती है तो वो इलाज मुफ्त कराया जाएगा, मुफ्त किया जाएगा आगे तक। और एजेंडा इंसेफेलाइटिस के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने का, उनकी स्वास्थ्य को दुरुस्त करने का। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटे छोटे बच्चों से बातचीत कर रहे हैं।
प्यार कर रहे हैं उनको देखिए, इस छोटे से बच्चे के गाल छू रहे हैं, उसको पुचकार रहे हैं। ये बच्चे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा, आज ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, कैंप ऐसे ही चलने वाला है। आत्मीयता के साथ लोगों से आपने मुलाकात की, अपने आप में अद्भुत है और शायद यही ताकत है लोगों की कि लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं अमन मणि जी को भी धन्यवाद दूंगा और जिलाध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दूंगा कि लोगों ने बहुत सहयोग किया, जो सफाई अभियान शुरू हो रहा है बहुत ही अच्छा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करूंगा कि डेटॉल जो कि एक बहुत बड़ा कैंपेन की शुरुआत जो करने जा रही है, उनके जो हमारे बीच में आए हुए हैं उनको सम्मानित करने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करें, जिससे कि इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और हम चाहेंगे कि वो ले आए, रवि भटनागर साहब हमारे बीच में हैं, एक बहुत बड़े अभियान की जो है वो शुरुआत जो है वो होने जा रही है। दो लोग इसमें बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं, विनय श्रीवास्तव यहां पे बैठे हुए हैं, एक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं केएमसी के नाम से, और आईडीएम जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं। आप भी इनसे प्रैक्टिस के लिए जो है एक बड़ी सौगात देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले मैं डेटॉल की तरफ से रवि भटनागर जी को बुलाना चाहता हूं कि वो खुद आए बताएं कि आखिर वो उत्तर प्रदेश को क्या देने जा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ में बैठने का अवसर मिला है यहाँ पे, और मुझे बहुत खुशी के साथ में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग 15 करोड़ रुपए का कमिटमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ में कि हम एईएस और स्वच्छता और स्वस्थ के लिए हम लोग 15 करोड़ रुपए हम लोग लगाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे साथ में हमारे पैसे को मैच करने के लिए आईटीवी फाउंडेशन भी 15 करोड़ रुपए साथ में दे रहा है, ताकि जो विचार है मोदी जी का, योगी जी का, जो वो हेल्थ के लिए बेनिफिट देना चाहते हैं, हम मैक्सिमम उसको सपोर्ट कर पाए, मेरी यही आशा है। और इसी से मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भटनागर साहब। हम उम्मीद करेंगे, ये उत्तर प्रदेश उम्मीद करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उम्मीद करेंगे कि आईटीवी फाउंडेशन के साथ आपका जो कोलैबोरेशन हुआ है वो आगे बढ़े। मैं विनय श्रीवास्तव जी को बुलाऊंगा क्योंकि वो भी कुछ घोषणा करना चाहते हैं, खासतौर पे इंसेफेलाइटिस को लेके, और वो चाहते हैं कि आईटीवी फाउंडेशन के साथ जो भी आगे इस तरह का कार्यक्रम हो इंसेफेलाइटिस से संबंधित, क्योंकि हम भी महाराज जी से कहेंगे कि अभी उन्होंने गोरखपुर में आदेश दिया था, वहां कार्यक्रम शानदार हुआ, उसके बाद महाराज जी का आदेश था कि महाराज जन करें, वो शानदार कार्यक्रम हुआ, आगे हमारी उनसे अनुरोध रहेगा कि वो आगे निर्देशित करें कि आप अगला कार्यक्रम जो है आईटीवी फाउंडेशन कहां करें। इस क्रम में मैं विनय श्रीवास्तव जी को बुलाऊंगा कि वो भी घोषणा करें कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं प्रदेश के। परम आदरणीय मुख्यमंत्री गुरु योगी आदित्यनाथ जी का आईटीएम परिवार में, आईटीएम प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जनपद महाराजगंज के निर्वाचित 6 बार के सांसद बड़े भाई पंकज चौधरी जी का अभिवादन करता हूं, यहां पर उपस्थित विधायक जी, इंडिया टीवी के प्रबंध निदेशक जी, डिटाल से आए हुए साहब, आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो जेईई से रिलेटेड अभियान शुरू किया है इसका समूल नाश करने के लिए, उसमें मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा हूं। केएमसी हॉस्पिटल जो 300 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आज के डेट से 30 बेड में जेईई से संबंधित बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा। आईटीबी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस बृहद जागरूकता एवं हेल्थ कैंप कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद श्री पंकज चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी, बजरंग बहादुर सिंह जी, प्रेम सागर पटेल जी, अमन मणि जी,
आईटीबी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रेयर जागरूकता एवं हेल्थ कैंप कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद श्री पंकज चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी, बजरंग बहादुर सिंह जी, प्रेम सागर पटेल जी, अमन मणि जी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभु दयाल जी, बोर्ड चेयरमैन और प्रधानाचार्य श्री वीरेंद्र सिंह जी, आईटीएम महाराजगंज के डायरेक्टर विनय कुमार श्रीवास्तव जी, फाउंडर एंड प्रमोटर इंडिया टीवी श्री कार्तिकेय शर्मा जी, डेटॉल इंडिया के प्रतिनिधि श्री रवि भटनागर जी, अपर मुख्य सचिव गृह मनीष अवस्थी जी, आईटीबी फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी जिला प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण, ग्राम प्रधानगण और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योग्य प्रतिनिधित्व देने वाले सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इंडिया टीवी फाउंडेशन को इंसेफ्लाइटिस और संचारी रोग नियंत्रण के लिए एक बृहद जन जागरण अभियान का हिस्सा बनने और शासन की इन योजनाओं को विजुअल मीडिया के माध्यम से और अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने के लिए सहयोग करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं जो विभिन्न प्रकार के संचारी रोग हैं, जिसमें इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू है, कालाजार है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, ये तमाम प्रकार की बीमारियों की चपेट में यहां की जो भू पारिस्थितिकी है वह कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही के कारण विगत कई दशकों से यहां के मासूम बच्चों को निगलती रही है। इंसेफ्लाइटिस ने पिछले 40-42 वर्षों में हजारों बच्चों को निगला है, लेकिन इंसेफ्लाइटिस को हम एक बीमारी मान करके केवल उसे उपचार तक सीमित कर दिए थे। 1998 में जब मुझे गोरखपुर से सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो पहली बार मुझे इस बीमारी के मरीज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भारी तादाद में देखने को मिले थे। यद्यपि बीमारी 1977-78 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना पैर फैला चुकी थी, लेकिन इस बीमारी के उपचार और उससे बचाव के लिए शासन प्रशासन स्तर पर जागरूकता का अभाव होने के कारण कहीं भी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए। और मैं पहली बार जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस मरीज से पीड़ित मरीजों को देखने के लिए गया तो मैंने इस बात को वहां महसूस किया कि इसे एक बीमारी मान करके लोगों ने केवल और केवल भगवान भरोसे छोड़ा हुआ था। उसके बाद से मैंने इसको न केवल संसद में अपितु आवश्यकता पीड़ित से जन आंदोलन का रूप देना प्रारंभ किया और उसका परिणाम था कि गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में तो सुविधाएं बढ़ी, जैसे गोरखपुर में पहले केवल एक वार्ड था, उसमें न पंखे थे, वहां न शौचालय था, पेशेंट
200 250 आते थे, बेड केवल 100 ही थे, एक एक बेड में पहले केवल एक वार्ड था, उसमें न पंखे थे, वहां न शौचालय था, पेशेंट 200 250 आते थे, बेड केवल 100 ही थे, एक एक बेड में तीन तीन चार चार मरीज लिटाने पड़ते थे। तो वहां पर हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के लिए अलग से वार्ड बनवाए, एपिडेमिक वार्ड बना, वहां पर पंखे एसी लगाए गए और फिर धीरे धीरे करके सुविधाएं बढ़ती गई। 2004-05 में हम लोगों ने पहली बार जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की कार्रवाई भी प्रारंभ की। 2006-07 में गोरखपुर में एनआईवी पुणे की तर्ज पर एक वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना हुई और फिर ये प्रक्रिया जब आगे बढ़ती गई, आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष 5 महीने से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है और इन 2 वर्ष 5 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो 38 जिले इंसेफ्लाइटिस की दिशा, इंसेफ्लाइटिस के दोनों वायरस, चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस का हो, चाहे वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का हो, इन सबके उपचार और उन्मूलन की दिशा में सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और उस उपलब्धि को हासिल करने में हमें सफलता तब मिली जब इसे हम जन अभियान का हिस्सा बनाने में सफल हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया कि एक अंतर विभागीय कमेटी गठित की। मैं जानता था इस बीमारी का उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है और बचाव के लिए जागरूकता महत्वपूर्ण है। जागरूकता को महत्वपूर्ण तरीके से अभियान के रूप में लेने के लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया। स्वास्थ्य विभाग के साथ चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, महिला और बाल विकास, इन सभी विभागों को उसके साथ जोड़ते हुए और प्रत्येक के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर उपचार के लिए तैयार करेगा, डॉक्टर को ट्रेनिंग देगा, आशा वर्कर को ट्रेनिंग देगा, पैरामेडिकल के स्टाफ को ट्रेनिंग देगा, मेडिकल कॉलेज में भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, नगर विकास और ग्राम्य विकास की जिम्मेदारी थी कि वह शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करे और जहां पर पेयजल की आपूर्ति पाइप पेयजल की योजना नहीं है वहां पर हैंडपंप की व्यवस्था करे और जहां पर वह भी उपलब्ध नहीं तो मौजूदा जो भी पेयजल की व्यवस्था है अगर वहां पर मरीज या कोई भी परिवार उस पानी को हैंडपंप से निकालने के बाद वैसे ही पीने की बजाय अगर घर में ले जाकर के उसको उबाल लें, ठंडा कर लें, छान करके फिर उस पानी को पिएंगे तो वह किसी भी फिल्टर्ड वाटर से अच्छा पानी साबित होगा और उसका सेवन करेंगे तो पेट जनित बीमारियों के साथ साथ इस प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से भी हमें काफी हद तक बचाव में मदद मिलेगी। तीसरा, नगर विकास और पंचायती राज को जिम्मेदारी दी गई कि वे उन परिवारों को चिन्हित करें जिनके पास अभी तक शौचालय नहीं। हमने 2 वर्ष में 1,60,00,000 परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया और अब इस समय बेसलाइन सर्वे के बाहर जो परिवार छूटे हुए हैं लगभग 44,00,000 ऐसे परिवार हैं जो बेसलाइन सर्वे के बाद के थे। इन 44,00,000 परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई वर्तमान में की जा रही है, यानी एक एक करके, क्योंकि जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण जल जमाव है और जल जमाव में इसके जो नेचुरल कैरियर हैं, जल जनित पक्षियां हैं, सुअर हैं या जो पानी में रहने वाले जीव हैं जो जल में भी और थल में भी समान रूप से रह सकते हैं,
उनके अंदर इसका विषाणु पाया जाता है और जब मच्छर उसको काटता है और फिर वही मच्छर के साथ उसके विषाणु आते हैं और जब वही मच्छर किसी बच्चे को काटते हैं तो वह बच्चा इस बीमारी की चपेट में आता है। स्वाभाविक रूप से रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, इसके लिए कुपोषण के खिलाफ एक अभियान, कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना, महिला और बाल विकास विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को और आशा वर्कर को इस बारे में जागरूक किया गया, उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम आयोजित किए गए, स्वच्छता के विशेष अभियान चलाए गए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष के आंकड़े अभी हमारे पास बहुत अच्छे ढंग से आए हैं, लेकिन मैं विगत वर्ष के आंकड़े आपको दूं कि 1977-78 से गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त महीने में हर वर्ष 500 से 700 मरीज भर्ती होते थे, 125 से 150 मरीजों की मौत होती थी और लगभग इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता के शिकार हो जाते थे। जब यह अभियान 2017 से चला तो एक वर्ष में जो परिणाम आया वह परिणाम है कि पिछले वर्ष बीआरडी मेडिकल कॉलेज में केवल 86 मरीज भर्ती हुए, जबकि उससे पहले के 40 वर्षों में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 700 मरीज भर्ती होते थे और 150 तक मौतें हो जाती थी एक महीने में, और विगत वर्ष केवल 86 मरीज भर्ती हुए और मौत केवल 6 बच्चों की हुई। ये आंकड़े हैं जो एक बृहद जागरूकता अभियान के क्रम के परिणाम से और सामूहिक टीम वर्क का परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आ सकता है। यह परिणाम विगत वर्ष का बीआरडी मेडिकल कॉलेज का है और इस वर्ष का उससे भी अच्छा परिणाम अब तक हमारे सामने आ रहा है। मैंने कहा अगस्त को एक बार जाने दीजिए, अगस्त के बाद हम उसको रिजल्ट को आउट करेंगे, लेकिन मैं अकेले महाराजगंज जिले की ही अगर बात करूं तो महाराजगंज जिले में अगर आप देखेंगे तो महाराजगंज जिले में 2017 में इसी जनपद में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के जो मरीज आए थे, इस जनपद में 437 प्रकरण सामने आए थे 2017 में 15 अगस्त तक, और जिसमें से 68 मरीजों की मौत हुई थी, 68 मरीजों की केवल एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से मौत हुई थी। अतिक्रिया का वह हिस्सा है जिसमें हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी और खासतौर पर इसमें बड़ी भूमिका हमारे ग्राम प्रधानों की, हमारे पार्षदों की है, क्योंकि ये समाज की सबसे छोटी इकाई के चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, जनता के साथ इनका सीधा संवाद है। और इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मेरा एक आग्रह होगा कि उन्हें मालूम है गांव का क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं होता, उन्हें मालूम है गांव में किस व्यक्ति की क्या परिस्थिति है, और अभियान चला करके अगर हम 2-3 कार्यक्रम वहां पर चला लें, एक जब सरकार हर व्यक्ति को शौचालय उपलब्ध करा रही है, जिनके पास शौचालय नहीं है तो उनका दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव के हर परिवार को जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वे अपने हाथों में ले और उसको बनाने की व्यवस्था करें। अगर जापानी इंसेफ्लाइटिस से, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से मुक्ति चाहनी है तो सबसे पहले खुले में शौच से हम लोगों को पूरी तरह इसको समाप्त करना पड़ेगा। दूसरा, गांव में और शहर में सफाई कर्मी तैनात हैं, उन्हें सफाई कर्मियों को पूरी जवाबदेही के साथ सफाई के कार्यक्रम के साथ जोड़ना पड़ेगा और साथ साथ प्रत्येक नागरिक को भी सफाई के प्रति जागरूक करना पड़ेगा कि स्वच्छता इसलिए जिससे समाज का सम्मान बढ़ सके और साथ साथ हम स्वस्थ रह सकें। व्यक्ति और समाज स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र स्वयं सशक्त हो जाएगा।
और उस स्वच्छ भारत मिशन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर चलाया, इस स्वच्छ भारत मिशन के पीछे का उद्देश्य ही यही है कि स्वच्छ भारत मिशन को हम स्वस्थ भारत मिशन की ओर लेकर के जाएं। और स्वस्थ भारत मिशन का मतलब एक सशक्त भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी एक ताकत का एहसास करा सके, और वह हम सबकी सामूहिक टीम वर्क का परिणाम सामने आ सकता है। सबसे पहले स्वच्छता पर विशेष फोकस करते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। दूसरा, हम लोगों ने एक व्यवस्था दी है ग्राम प्रधानों को कि अगर गांव में कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो ग्राम प्रधान अपनी ग्राम प्रधान निधि से एक निश्चित राशि उस उपचार के लिए वहां पर उस परिवार को उपलब्ध करा सकती है। और ग्राम समाज के प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि वे तत्काल आशा वर्कर के साथ मिलकर के उस मरीज को नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएं। इसके लिए 101 की एम्बुलेंस की सेवा भी हर जनपद में मौजूद है। तीसरा, हर परिवार को, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री। तो महाराजगंज से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहना की आईटीवी नेटवर्क के इस अभियान की, इस मुहिम की, जो कि हमने शुरू की है इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा, मैं कहीं भी जाके अपना उपचार करा सकते हैं, अपने परिवार का उपचार करा सकता हूं। ये सरकार की वे योजनाएं हैं जो योजनाएं आम नागरिक को बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं देती हैं, उत्तम स्वास्थ्य की गारंटी आपको उपलब्ध कराती हैं। और उपलब्ध कराने के ही इस क्रम में ये कार्यक्रम आज बृहद जागरूकता का यहां पर इंडिया टीवी फाउंडेशन के द्वारा, डिटॉल इंडिया के साथ मिलकर के और आईटीएम महाराजगंज के साथ मिलकर के कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ किया गया है। सचमुच इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी भूमिका है इस प्रकार के कार्यक्रमों की, क्योंकि मैं शुरू से इस बात को मानता था, मैं 1997-98 से इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ चलने वाले अभियान का मैं हिस्सा था और पहला मैं जनप्रतिनिधि था जिसने संसद में इस बीमारी के बारे में रखा, और संसद के हर सत्र में मैं इस बीमारी पे संसद में बोलता था, हर सत्र में मैं इस मुद्दे को उठाता था, सड़कों पे बड़े बड़े आंदोलन करता था, और आंदोलन का हिस्सा सड़क से संसद तक चलने वाला जन अभियान, उस अभियान का परिणाम था कि आज केंद्र सरकार ने गोरखपुर में एम्स दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में एम्स दिया, और एम्स में इस वर्ष एमबीबीएस की पढ़ाई भी शुरू हो रही है। सरकार किस प्रकार से कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकती है, उस कार्यक्रम का हिस्सा है कि आज जो उपचार दिल्ली के एम्स में प्राप्त होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को आज वो सुविधा गोरखपुर में उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने मिनी पीडियाट्रिक्स का आईसीयू किया है, यानी पीको जिसको आप कह सकते हैं, छोटे बच्चों का जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और 10 बेड, 12 बेड, 15 बेड हर जिला अस्पताल में हमने, हर जिले के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में तो ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ साथ उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी हम लोगों ने केंद्र में रखकर के 3-3 बेड का मिनी आईसीयू वहां पर उपलब्ध कराया है, जिससे ये सुविधा वहीं गांव में ही उपलब्ध हो जाए। उपचार एकदम फ्री है, मुफ्त में उपचार की व्यवस्था, सारी दवाइयां सरकार उपलब्ध करा रही है, हमने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी है। विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में और केजीएमयू में हम लोगों ने न केवल जितने भी हमारे पीडियाट्रिशियन थे, बाल रोग विशेषज्ञ थे, जितने भी हमारे फिजिशियन थे या इस रोग के उपचार के साथ जुड़े हुए लोग थे,
उन सब की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। पैरामेडिकल का स्टाफ, जितना भी फार्मेसिस्ट था, जितने भी नर्सिंग स्टाफ था और आशा वर्कर थी, इनको भी ट्रेनिंग दे करके इंसेफ्लाइटिस के उपचार के प्रति इन्हें जागरूक बनाया गया। और आज उस सामूहिक परिणाम, टीम वर्क का परिणाम है, सामूहिक परिणाम, टीम वर्क का परिणाम है कि वैक्सीनेशन भी चला, जागरूकता के कार्यक्रम भी चले, उपचार की व्यवस्था भी हुई। इंडिया टीवी फाउंडेशन जैसे संस्थाओं ने और खासतौर पर विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया की जो अपनी भूमिका है, उस भूमिका के लिए जागरूक पत्रकारों ने, संपादकों ने जब अपनी भूमिका को, उससे जुड़े हुए उनके डायरेक्टर्स, उनके मालिकान, ने सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समाज के प्रति समझा, तो उन्होंने नेगेटिव समाचार नहीं बल्कि पॉजिटिव तरीके से इस न्यूज को देना और कैसे लोग इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, जब उस अभियान का हिस्सा बनाया, उसका परिणाम रहा कि इंसेफ्लाइटिस से आपने देखा होगा 2017 में इसी जनपद में 250 से अधिक मरीज आते हैं, 66 बच्चों की मौत होती है। और दो वर्ष में 2019 में जब हम हैं, इंसेफ्लाइटिस से एक भी मौत आपके महाराजगंज जनपद में नहीं होती है। इस बात को साबित करता है कि सामूहिक टीम भावना से किया जाने वाला प्रयास वह अपने आप में एक साधना होती है, उसका परिणाम उसी रूप में सिद्धि के रूप में हम सबके सामने होती है। और ये सिद्धि इस रूप में हम सबके सामने प्राप्त हुई कि हम उन मासूम बच्चों को, जो मासूम बच्चे जिनके परिवार के लोग जागरूकता के अभाव में अपना उपचार नहीं करा पाते थे, आज उन्हें उपचार की सुविधा प्राप्त होनी प्रारंभ हुई। आज उन्हें इस बात की जानकारी है, मैं यही बात कह रहा था, और यहां पे जितने ग्राम प्रधानगण हैं, जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, जितने भी आशा वर्कर हैं, इन सबको मैं इस बात को कहूंगा कि मैंने अभी 6 महीने पहले ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, आशा वर्कर का, या इस फील्ड में कार्य करने वाले रसोइया हैं, इन सबके मानदेय को मैंने इस शर्त के साथ ही बढ़ाया है कि ये लोग इस फील्ड में कार्य करें, इनके मानदेय को हम इसके साथ बढ़ाएंगे। और बहुत अच्छा काम इस टीम ने किया है और मैं चाहूंगा हम उस अभियान का हिस्सा सचमुच बने। इतना पवित्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं लाइव, हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हेल्थ कैंप का उद्घाटन तो किया ही मुख्यमंत्री ने, इसके अलावा जो मुफ्त हेल्थ कैंप शुरू किया गया है आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से, और इंसेफ्लाइटिस से हमारी ये जो मुहिम है उसकी सराहना की। समय कालकल्पित होते थे, आज जब ये बच्चे स्वस्थ होंगे तो न जाने कौन सा बच्चा इस देश का भविष्य बन जाए, न जाने देश के अंदर किस बच्चे का कौन सा योगदान कहां पर हो जाए, कौन सा बच्चा भगवान के प्रभुति बनकर के देश के लिए कोई क्रांतिकारी अभियान चला ले। इसलिए सरकार ने उस प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं। और मेरी अपील होगी आप सबसे, अपील इस बात की, मैं भी इंसेफ्लाइटिस से जो पीड़ित परिवार रहे हैं उनके परिवार वालों से मैं मिला हूं, इससे बगल में एक सभागार में मेरी उनसे मुलाकात हो रही थी और मैंने इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, जिससे भी मैं मिला, बीमारी किसके घर में हुई, एक लोग हैंड पंप का पानी सीधे पी रहे हैं और खासतौर पर छोटा वाला हैंड पंप का पानी सीधे, ये तराई का बेल्ट है, यहां पर पानी 10 फीट 15 फीट पे मिल जाता है, हम लोग केवल पानी का कलर देखते हैं और उसके अनुसार पी लेते हैं। मेरा अपील होगा, एक तो पानी का स्टेटस चेक करवा लेना चाहिए। तो ऐसे कार्यक्रम बड़ी भूमिका निभाते हैं, मुख्यमंत्री ने यह बात कही। इसके अलावा सफाई के ऊपर भी जोर दिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, साफ तौर पर यह कहा कि स्वच्छ भारत अभियान जो भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है उसका भी इसमें योगदान है, उपलब्ध कराई गई है। दूसरा, हम लोगों ने एक और इस बात के लिए कहा है कि अगर आप लोग एक अभियान अपनी ग्राम पंचायत की बैठक के माध्यम से या फिर अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जिला प्रशासन के लोग भी इस बैठक को आयोजित कर सकें और एक अभियान चलाएं,
कि पानी खासतौर पर ये जो सीजन है, इस सीजन में तो हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पानी लोग गर्म करके, कैसा भी पानी हो, वह पाइप का पानी हो, पाइपलाइन का पानी हो, हैंडपंप का, चाहे वो इंडिया मार का हो या छोटा वाला हो, इनमें से कोई भी हैंडपंप का पानी है अगर आप ले रहे हैं, उस पानी को थोड़ा गर्म कर लें, उबाल लें, उसको ठंडा करके फिर छान करके पिएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आधी से अधिक पेड़ जनित बीमारियां और जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों को आप वैसे ही मात कर देंगे, एकदम समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, खुले में शौच कतई न हो। ये जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है, जिसके कारण 2017 में 66 बच्चों की मौत अकेले महाराजगंज जिले में हुई थी, 2017 में, क्योंकि तब तक शौचालय पूरे नहीं हो पाए थे। आज हम लोगों ने हर गांव में एक अभियान चलाया है और मैं जिला प्रशासन से फिर कहूंगा कि बेसलाइन सर्वे के अनुरूप तो हर जगह शौचालय बन गए हैं, लेकिन बेसलाइन सर्वे के बाद एक बड़ी संख्या ऐसी है जो छूटे हुए हैं। अनिवार्य रूप से उन लोगों के लिए शौचालय का निर्माण एक समय सीमा के अंदर हो जाए और खुले में शौच न हो। एक, खुले में शौच गांव का सम्मान और नारी गरिमा को तार तार करता है, खुले में शौच बीमारी को आमंत्रित करता है। ये बच्चे तमाम प्रकार की जो विषाणु जनित बीमारियों की चपेट में आए हैं, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जिसको आप AES कहते हैं, इसकी चपेट में आए हैं, इसका कारण है खुले में शौच। हम अपने गांव में गंदगी ना होने दें, अगर गांव में नाली का पानी बंद नहीं है, कहीं जल जमाव नहीं है, कहीं अव्यवस्था नहीं है, कीचड़ नहीं है, तो मच्छर भी नहीं होंगे। मच्छर नहीं होंगे तो फिर जितनी भी ये विषाणु जनित बीमारी है, न जापानी इंसेफ्लाइटिस होगा, न डेंगू होगा, न कालाजार होगा, न मलेरिया होगा, न फाइलेरिया होगा, यानी इन सबसे हम बच जाएंगे, हर व्यक्ति बच जाएगा। तो सफाई के प्रति जागरूकता, हर परिवार को शौचालय उपलब्ध कराना, शौचालय का लोग उपयोग करें, खुले में शौच न करें, और साथ साथ जल के लिए पानी गर्म करके हम पिएंगे तो वह हमें स्वस्थ रखेगा। लेकिन अगर इस सब के बावजूद बीमारी आ ही जाती है तो इंतजार किए बगैर किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर, क्योंकि हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है। देखिए, जिसको डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है डॉक्टर वही है, उसी को डॉक्टर का परामर्श देने दो। हम लोग पुड़िया बांटना बंद करें, झोला छाप लोगों से परामर्श लेना बंद करें। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला चिकित्सालय हैं, या फिर निजी क्षेत्र में भी जिन चिकित्सकों के पास प्रमाणिक डिग्री है उनके पास जाकर के हम तत्काल मरीज को वहां लेकर के जाएं, इंतजार न करें। पेशेंट को बीमारी की सूचना मिलते ही, सामान्य सी बात है, देखिए जापानी इंसेफ्लाइटिस में जब कोई बच्चा इससे पीड़ित होता है तो उसको झटके आते हैं और शरीर में अकड़न होने लगती है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम में बुखार आएगा, झटके आएंगे और शरीर एकदम ढीला हो जाता है, यानी ये सामान्य लक्षण है। हम इसके बाद कतई इंतजार न करें, तत्काल हम उस बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाए। उसके लिए आप 108 को डायल करें, एम्बुलेंस आपके गांव में आएगी। ग्राम प्रधान और गांव के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल इसकी मुहैया सुविधा उपलब्ध करा करके उस बच्चे को हॉस्पिटल में, नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप लेके जाएंगे। हमने व्यवस्था की है हर जिला चिकित्सालय में, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसे मरीज के लिए बेड आरक्षित हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं, सारी दवाइयां वहां मुफ्त में मिलने वाली हैं, सारी सुविधाएं वहां मुफ्त में मिलने वाली हैं। वहां लेकर के जाएंगे तो बच्चा उपचार समय पे होगा, ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब इस विषाणु का या विषाणु किसी बच्चे पर प्रहार करता है तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क पर प्रहार करता है, और मस्तिष्क पर प्रहार होने का मतलब आपने देखा होगा जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित बच्चों के सबसे ज्यादा उनकी क्या समस्या होती है कि अगर समय पर उपचार नहीं होगा
तो बच्चा दिव्यांग हो जाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से उसको फिर एक लंबे समय तक दिव्यांगता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है तो ये लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से साथ सब जुड़े हुए हैं, कुपोषण, बीमारी, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और इन सभी को अगर हम लोग एक बार तय कर लें कि शासन की पुष्टाहार की योजना, कुपोषित बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को ससमय मिल जाए, आंगनबाड़ी वर्कर का काम और इसकी निरंतर निगरानी अगर ये समयबद्ध ढंग से हो जाए, बच्चों को इससे संबंधित पुष्टाहार समय पर मिल जाए, कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए चलने वाले अभियान का हम हिस्सा बन जाएं, एक बहुत बड़े पुण्य के भागीदार हम भी बन जाएंगे, एक बड़े अभियान का हिस्सा हम भी बन जाएंगे, और उस अभियान के रूप में इसे लेने की आवश्यकता है। दूसरा, जो मैंने आपसे इस बारे में कहा कि इस कार्यक्रम को अगर हम एक अभियान के रूप में लें, उस पेशेंट को हॉस्पिटल में योग्य किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में हम लेके जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, निजी क्षेत्र में भी कोई हॉस्पिटल है, पास तो आपके पास हमने आयुष्मान भारत का और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया है। जहां उपलब्ध नहीं हुआ है, सीएमओ की जिम्मेदारी बनती है कि अभियान चला करके उन्हें तत्काल वितरित कर लें। आपके पास प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री का भी पत्र मिल गया होगा, उन पत्रों को लेकर के आप चले जाएंगे तो भी आपको निःशुल्क उपचार की व्यवस्था किसी भी हॉस्पिटल में मिल जाएगी जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। एक बड़ा कार्य हो सकता है और इस कार्य के साथ हम जुड़े। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यह अभियान विगत वर्ष गोरखपुर में हुआ, इस वर्ष महाराजगंज में है, और मैं चाहूंगा इंडिया टीवी फाउंडेशन अगले वर्ष के लिए कुशीनगर को चयन करें, या इस वर्ष भी हो सकता है तो कुशीनगर जनपद में भी, क्योंकि ये जनपद ज्यादा संवेदनशील है। कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, संतकबीर नगर, देवरिया, ये 7 जिले जो 38 जिले हैं उनमें सर्वाधिक संवेदनशील ये 7 जिले हैं। और फिर हम जब इस अभियान को लेकर के जाएंगे तो काफी व्यवस्थाएं हुई हैं, इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इंडिया टीवी फाउंडेशन, डिटॉल इंडिया, आईटीएम महाराजगंज और इसके साथ जुड़े हुए उन सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, एक सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। और ये जागरूकता कार्यक्रम गांव गांव तक चले, इसको हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, और इन प्रकार चाहे वह जल जनित हो, विषाणु जनित हो, इन सभी बीमारियों के उपचार के लिए हम लोग एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ा सकें और आने वाली अपने बचपन को बचा करके उनके भविष्य को उज्जवल बना सकें, तो हम समाज और राष्ट्र के लिए एक पुण्य के कार्य में अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मुख्यमंत्री जी का मैं 2 मिनट का समय लूंगा। सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग संकल्प करें कि अपने आसपास जो है वो गंदगी देखेंगे तो उसको कोशिश करेंगे कि उसको हम दूर हटाएं, इसी संकल्प को लेके जाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आईटीबी फाउंडेशन ये आश्वस्त करता है। तो आईटीबी नेटवर्क के अभियान की सीएम ने की सराहना, आपने सुना योगी आदित्यनाथ किस तरह आईटीबी हेल्थ कैंप की सराहना करते हुए नजर आए। इंसेफ्लाइटिस पर भी उनका बयान सामने आया, इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ आईटीबी फाउंडेशन की मुहिम में। इस वक्त आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा सीधा इंसेफ्लाइटिस से किस तरह लोगों को बचना चाहिए, बीमारी का लक्षण मिलते ही हॉस्पिटल पहुंचे, लोगों को हिदायत भी दी कि इंसेफ्लाइटिस से कैसे बचना चाहिए। आईटीवी नेटवर्क के अभियान से जुड़े उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, हैंडपंप का पानी उबाल कर पीना चाहिए और तमाम वो नुस्खे बताए जिससे आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। आपने सुना कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर्स को लेकर भी उनका बयान सामने आया। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के कई सारे हॉस्पिटल से खबरें सामने आ रही थी जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ का बयान। साथ ही मैं सभी उन लोगों को धन्यवाद करता हूं, माननीय पंकज चौधरी साहब को, हमारे जो विधायकगण है उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। ज्ञानेंद्र सिंह जी है हमारे बीच में, बजरंग बहादुर जी है, प्रेम सागर पटेल जी है, प्रभु दयाल जी है, और उसके अलावा अमन मणि जी है, जिलाध्यक्ष महोदय, इन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं।
जिन लोगों ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को भी मैं बहुत तहे दिल से, यहाँ के कप्तान महोदय को, सीएमओ महोदय को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आईएमटी ने भी शानदार, एएमसी डिजिटल मेडिकल कॉलेज ने भी शानदार काम किया है आईडीबी फाउंडेशन के साथ। तो ये सारे लोग इसके पात्र हैं और जिनको धन्यवाद दिया जाए। और जो भी मरीज हैं, कल भी कैंप है, आज भी कैंप है, जो लोग भी आए हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना दिखाया जाए, बिना दवा लिए जाए, मेरी सबसे यही गुजारिश आए हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना दिखाया जाए, बिना दवा लिए जाए, मेरी सबसे यही गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो दिन का ये कैंप लगा हुआ है, गुजारिश की गई लोगों से कि इस कैंप में वहां पर आए, मौजूद रहे, निशुल्क हेल्थ कैंप लगा हुआ है, इलाज चल रहा है योगी उत्तर प्रदेश के लोगों का। आपने सुना किस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही और इस कैंपेन में वो खुद भी उन्होंने शिरकत की, शामिल हुए, लोगों को नुस्खे भी बताए कि किस तरह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। निःशुल्क हेल्थ कैंपेन आज और कल दो दिन का आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है जिसमें कई सारे लोग भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, टेलीफोन नंबर भी दिया गया है 87000, और जो नंबर आपने थोड़ी देर पहले इस वक्त स्क्रीन पर देखा उस पर फ्री रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। मुफ्त हेल्थ कैंप का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, दो दिन तक ये कैंप चलेगा। 87000924 ये नंबर प्रोवाइड किया गया है जिस पर आप अपने आपका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हेल्थ कैंप का उद्घाटन हो गया है, जितने भी लोग उत्तर प्रदेश में मौजूद है वो इससे इसकी सेवा ले सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त हेल्थ कैंप की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और ये मुहिम चलाई गई है आईटीवी नेटवर्क की तरफ से। हेल्थ को लेकर हर किसी को सावधान होना चाहिए और ये निःशुल्क मुहिम चलाई गई है, निःशुल्क हेल्थ कैंप चलाया गया है आज और कल सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। दो दिन का ये कैंप लगाया गया है 18 और 19 अगस्त का आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से। आपने सुना किस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी सराहना भी की है और सफाई को भी लेकर उन्होंने साफ कहा कि लोगों को सफाई से रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के जरिए कई सारे लोगों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है।